माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर पॉल एलन ने 65 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। आपको बता दें कि वो कैंसर से पीड़ित थे। आपको ये भी बता दें कि वॉल्कन इंक ने एलन के परिवार की ओर से ये जानकारी दी है। एक बयान में उन्होंने कहा कि अमूमन लोग एलन को टेक्नोलॉजिस्ट और परोपकारी के रूप में जानते थे। हमारे लिए बहुत प्यारा भाई और एक असाधारण दोस्त था। जॉर्डी ने कहा कि तमाम कार्यक्रमों के बीच उनके पास हमेशा परिवार और दोस्तों के लिए वक्त रहता था। वॉल्कन इंक के सीईओ बिल हिफ ने कहा कि हम लोगों में से जिसने भी एलन के साथ काम किया उन्हें गहरा धक्का लगा है। हिफ ने एक बयान में जारी करते हुए कहा कि उन्होंने दुनिया के सबसे कठिन मुश्किलों में से कुछ को सुलझाने का जुनून हासिल किया। इस महीने की शुरुआत में एलन ने जानकारी दी कि उन्होंने नॉन हॉजिंग्स लिम्फोमा का इलाज शुरू कराया था। इसी तरह का कैंसर एलन को 9 साल पहले भी हुआ था। इस वक्त एलन की तबीयत ठीक हो गई थी। एलन के निधन पर माइक्रोसॉफ्ट के मौजूदा सीईओ सत्या नडेला ने कहा कि एलन ने माइक्रोसॉफ्ट और टेक्नोलॉजी उद्योग में जरूरी योगदान दिया है। नडेला ने यह भी कहा कि उन्होंने एलन से बहुत कुछ सीखा और वो सदैव उनसे प्रेरित करते रहेंगे। नेक्स्ट 9 टेक की रिपोर्ट।